Hi everybody, in this video I'm starting with tips and strategies for your history civics board examination. यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं dates की. Learn all the important dates. Appendix 3 जो आपके book के last page में given है, chronology of dates, you can refer that. इसमें आपको सारे important dates, years दे रखे हैं ये chronology में, ठीक है. जैसे कि civil disobedience हो गया, चाहे non cooperation हो गया, ये आपके dates काफ़ी काम आएंगे and short questions में भी पूछे जाते हैं. Then we कम टू द सेकेंड टिप, कवर सिविक्स फर्स्ट. सिविक्स इज वेरी स्कोरिंग और यहाँ पर सिविक्स में आपको जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए यू कैन अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये थ्री हैं आपके क्वेश्चन. इनमें से कोई भी आप दो अटेम्प्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग आंसर्स. सो आप अच्छे से कर लीजिए कोई भी चैप्टर्स दो, बट आपको पूरा तो पढ़ना पड़ेगा ही, बिकॉज शॉर्ट आंसर्स में सारे क्वेश्चंस कुछ भी पूछ लेंगे चाहे एमसीक्यू की हम बात करें. देन वी कम टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. सो आई जस्ट टेल यू वन थिंग, व्हेनेवर यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन द हेडिंग. हेडिंग मेंशन कर लीजिए, उसके बाद आंसर लिखिए. फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. यू विल हैव टू मेंशन द हेडिंग फर्स्ट एंड देन राइट द एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करा था एंड इसमें कीवर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड से कि आपको मार्क्स मिलेंगे. देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय डलहौसी. सो आपकी हेडिंग होगी, फिर आपका ये आंसर होगा. ये टू लाइंस का होगा, उससे ज्यादा मत करना, क्योंकि आपका फोर मार्क का जो क्वेश्चन होगा इसमें हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं. Now I would like to tell you about my e-books. ये मॉली e-books करके साइट है, यहाँ पर आपको 10th की e-books मिल जाएंगी ICSE बोर्ड के लिए. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री बुक भी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, आपका पेपर हो गया वैसे, बट देखिए फिजिक्स का है, फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और अभी अभी रिसेंटली मैंने हिस्ट्री की लॉन्च करी है, हिस्ट्री सिविक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर आपकी जो ये ई बुक है इसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चन कवर्ड है दैट आर एक्सपेक्टेड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. और यहाँ पर ये आप सैम्पल भी देख सकते हो. यू कैन विजिट द वेबसाइट मॉली ई बुक्स. आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके. सो यू कैन रेफर दैट. नाउ फोर्थ टिप इज पी वाई क्यूज रेपिटेशन. ये बहुत ज्यादा हाई है एंड इफ यू गो थ्रू योर 10 ईयर्स यू विल कम टू नो कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है. जैसे ऑर्डिनेंस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, टर्म ऑफ राज्यसभा, then who presides over joint session of two houses, या फिर immediate cause of revolt 1857, what is quorum. So ये questions काफ़ी बार आपने देख लिए होंगे, repeat होते रहते हैं. Plus the long answers, long question answers भी repeat होते हैं, जैसे causes of World War I, या फिर Treaty of Versailles क्या है, then aims and objectives of Muslim League. तो आपको ये सारे जो questions हैं एक बार आप अच्छे से important topics को भी आप revise कर लेना, right? देन पिक्चर स्टडी में हम बात करेंगे, तो इसमें जैसे हिटलर हो गया, या फिर आपको एक यूएन का कोई भी सिंबल दे दिया, यूनिसेफ का, WHO का, दादाभाई नरोजी, उनकी फोटोज भी कई बार पिक्चर स्टडी में आ जाती है. तो ऐसे जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, एजर्टिव नेशनलिस्ट हैं, उनकी भी आप पिक्चर स्टडी कर लेना एक बार. सुभाष चंद्र बोस में क्वेश्चन आ रखा था एक बार, तो उसमें पूछा था कि इन्होंने क्या फाउंड करा एंड देन उस चीज का ऑब्जेक्टिव्स क्या है. यू नो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने थे, ठीक है. इस तरीके से आपका हिस्ट्री में रहेगा. बाकी मैं यही कहूँगी कि आप ये कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विथ सिविक्स, कंप्लीट वन चैप्टर एंड देन मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एक बार रेफर कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके एंड ग्रेजुअली कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स. सो आपका टारगेट है आज सिविक्स आप कवर कर लीजिए, कल आप हिस्ट्री कर सकते हैं एंड थर्ड डे आप क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यूज अच्छे से एक साथ ले लीजिए, सारे पी वाई क्यूज अच्छे से कर लीजिए 10-15 ईयर्स. अगर आप वेबसाइट में जाओगे, देर आर मेनी वेबसाइट्स, ए प्लस टॉपर भी आपको पता होगा, उसमें आपको पी वाई क्यूज मिल जाएंगे अच्छे से. उन्होंने सारे पी वाई क्यूज विद आंसर्स लिखे हैं, रेफर टू दैट. सो आप अच्छे से पढ़िए. ऑल द बेस्ट एंड बाय.